तो बेसिकली आज के टॉपिक का नाम क्या है? अफजल, नितिन, अमन, प्रवीण, स्टैटिक राउटिंग की लैब करने वाले हो तो दिल्ली ब्रांच को कनेक्ट करोगे किस ब्रांच से भाई? नोएडा ब्रांच से। और कितने फिजिकल लिंक्स यूज कर रहे हैं राउटर वन और राउटर टू के बीच में कनेक्टिविटी के लिए? कोई बता सकता है कितने फिजिकल लिंक्स यूज कर रहे हैं हम लोग? सिंगल सिंगल लिंक। चलो पहले तो राउटर वन को, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाइप कर देता हूँ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, डन। सभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा हूँ, फैक्ट्री रीसेट बोल सकते हो ठीक आप। स्टॉप करो एक बार और फिर करो वाइप ऑल डिवाइसेस। ठीक है, स्टार्ट कर लो राउटर वन, राउटर टू, और ये स्विच की इमेज हमेशा चेक करनी है, L2 की है। ठीक है, स्टार्ट कर लो PC1, इसको स्टार्ट कर लो, PC2 को स्टार्ट कर लो, इस स्विच को स्टार्ट कर लो, सर्वर सर्वर वन को स्टार्ट कर लो, सर्वर टू को स्टार्ट कर लो। अभी मैंने सिर्फ कितने सर्वर्स स्टार्ट करे? दो सर्वर्स। ठीक है, दो यूजर्स। राउटर वन को एक्सेस करने के लिए क्लिक करो और राउटर वन कंसोल एक्सेस आ जाएगा। राउटर टू को भी कंसोल एक्सेस ले लो, PC1, PC2, सर्वर वन, सर्वर टू। चलो सभी डिवाइसेस आ गए, वेरीफाई कर लो। अब राउटर वन को एक्सेस करो सबसे पहले। ओके, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो चेक करो आईपी असाइन हो रखी है नहीं हो रखी, चेक करके बताओ। E0/0 पे 1.1, E0/1 पे 12.1 दिख रही है आप लोगों को? शो आईपी राउट। राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन बता रहा है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। पहला नेटवर्क सी से दिखा रहा है 12 डॉट का, और दूसरा नेटवर्क कौन सा है? 1 डॉट का। R2 पे चलो, R2 पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। R2 पे कॉन्फ़िगर करने दो, वेट करो। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम, और इसका नाम लिख दो R2। इंटरफेस E0/1, नो शटडाउन, और आईपी एड्रेस 12.2, सबनेट मास्क 252। ओके, एक और इंटरफेस है E0/0, आईपी एड्रेस 2.1 दे देते हैं, 255.255.0, नो शटडाउन एंड WR। ठीक है, तो राउटर टू पे भी आईपी हो गई, राउटर वन पे भी आईपी हो गई। राउटर टू पे जाके कमांड चलाओ शो आईपी राउट, 12 डॉट का नेटवर्क आ गया और 2 डॉट का नेटवर्क आ गया। ठीक है, अब बात समझो, राउटर वन के यूजर्स को अगर कम्युनिकेट करना है आपस में तो आईपी होना चाहिए। चेक कर लो VPC 6 पे, आईपी दे देता हूँ जैसे 192.168.1.2 और सबनेट मास्क 255.255.0, और फिर मैं VPC 7 को दे देता हूँ आईपी 192.168.1.3.255.255.0। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? जैसे मैंने 1.3 से बोला कि आप 1.1 को पिंग कर पा रहे हो, यस। आप 1.2 को पिंग कर पा रहे हो, यस। अगर मैं बोलूं कि आप पिंग करो 2.10 को, तो क्या पिंग हो पाएगा? पहले बताओ मुझे, पिंग कर पाओगे? डेटा पैकेट जनरेट कर पाओगे? नहीं, नो क्योंकि गेटवे ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि मेरे पास, इस यूजर के पास गेटवे है। चेक करना शो आईपी लिखकर, कोई गेटवे दे रखा है अभी तक? नहीं ना, तो गेटवे कैसे दोगे? IP 1.3 SP, सबनेट मास्क, और लास्ट में गेटवे IP 1.1। हो गई, क्लियर है? अब बात समझो, VPC 6 पे भी यही कर दो, गेटवे IP 192.168.1.1। तो गेटवे आईपी मिल गई, लेकिन राउटर वन पे कोई रूट है? नोएडा ब्रांच के लैन नेटवर्क का कोई रूट है भाई? देखकर बताओ आप सभी, कोई रूट नहीं है? तो एक रूट डाल देते हैं। कैसे डालोगे? आईपी राउट, और किस नेटवर्क में जाना है? 192.168.2.0, 255.255.255.0, और किसके वाया जाओगे इस नेटवर्क में, ये बताओ। R1 इस नेटवर्क में किसके वाया जा सकता है, किस राउटर के थ्रू जाएगा? R2 के वायर राउटर टू के किस इंटरफेस के थ्रू डेटा जाएगा? अमन, राउटर जीरो टू से किस इंटरफेस से डेटा जाएगा और आएगा R1 का? अगर R1 ट्रैफिक भेजेगा तो राउटर टू किस इंटरफेस पर रिसीव करेगा और फिर भेज देगा, बताओ मुझे।
अगर राउटर वन को इस नेटवर्क में ई जाना है तो E0/1 पे, जीरो बाई वन हाँ उस इंटरफेस की आईपी दे दी, नेक्स्ट हॉप आईपी हो गई। और जैसे आप लिखोगे शो आईपी राउट तो एक रूट आ गया होगा एस से। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। और कौन से नेटवर्क के लिए? टू डॉट के लिए। सबनेट मास्क एडी वैल्यू कितनी है इसकी? 1। और मेट्रिक कितनी है? 0। और वाया का मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये बताना है बस। इनडायरेक्टली हाँ जी इनडायरेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, कहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली इसके आगे? इनडायरेक्ट 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 है भाई, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट। और किसके वाया पहुंच सकते हो? 12.2 के। तो R1 का ट्रैफिक R2 तक तो जाएगा, चलो ठीक है। R2 के पास क्या R1 की ब्रांच का नेटवर्क है, दिल्ली ब्रांच का? नहीं है। तो अब यहां से भी एक रूट डाल दो, आईपी राउट 192.168.1.0 सबनेट मास्क। पर अगर R1 को इस नेट R2 को इस नेटवर्क में पहुंचना है तो वो किसके वाया जाएगा? R1 के। और R1 के किस इंटरफेस से ट्रैफिक होता हुआ जाएगा, ये बताना है बस। E0/1 से। E0/1 उस इंटरफेस की आईपी दे दो। अब चेक करो शो आईपी राउट, तो रूट आ रहा है स्टैटिक, लेकिन यार बहुत सारे रूट के बीच में आ रहा है तो मुझे एक स्पेसिफिक रूट देखना है। तो मैंने लिखा शो आईपी रूट, कौन सा रूट दिखाओ? सिर्फ स्टैटिक। तो देखो आ गया एक सिंगल रूट, सेम आउटपुट आ रहा है। अब इसी रूट को और एडवांस देखना है तो शो आईपी राउट और जो भी नेटवर्क दे रखा हो उसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो एंटर। तो बताएगा स्टैटिकली रूट है, डिस्टेंस इसका यानी एडी वैल्यू 1 है, मेट्रिक 0 है, और स्टार का मतलब होता है ये ओल्डेस्ट रूट है। ठीक है, क्या है? ओल्डेस्ट रूट। अब R1 और R2 के पास ट्रैफिक आ गया, सर्वर पे आईपी दे दो 2.10 और सबनेट मास्क। और इसका गेटवे कौन होगा भाई? 2.1। वेट करो, सर्वर 2 पे भी दे दो आईपी 192.168.2.20 सबनेट मास्क और गेटवे इज 2.1। वेट कर लो भाई। हो गया, अब चेक करो। सर्वर 1 बोल रहा है मुझे अगर पिंग करना हो 2.20 को तो पिंग हो जाएगा, अगर मुझे 2.1 को करना हो तो हो जाएगा। क्या अब 1.2 2.10 को पिंग कर सकता है भाई, ये बताना है बस। कर सकता है ना, लेकिन राउटर 2 क्या उसकी आप टेबल में एंट्री रखेगा? नहीं, क्योंकि राउटर 2 के लिए ये नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, ब्रांच वाला, दिल्ली ब्रांच वाला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राउटर 2 की राउटिंग टेबल में? चेक करके बताओ शो आईपी राउट स्टैटिक, कैसे है ये इनडायरेक्ट रूट, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये देखकर बताओ स्टेटमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसकी एंट्री रखेगा आप टेबल में? नहीं। अब देखो VPC 6 पे जाओ और बोलो पिंग करना है मुझे किसको भाई, 2.10 को, तो पिंग हो रहा है। और अगर आप बोलोगे 2.20 को पिंग करना है तो वो भी हो जाएगा। अब बात समझो दूसरी, मैं दूसरी बात क्या बता रहा हूँ भाई, अगर आप VPC 7 यानी दूसरे यूजर से आके बोलो कि मुझे पिंग करना है सिर्फ 2.20 को तो हो रहा है, 2.10 को करना है तो भी होगा। अब R2 पे जाओ और शो आईपी आप टेबल, कोई आप टेबल में 1.2 1.3 की एंट्री दिख रही है आप लोगों को? नहीं है। क्या राउटर 1 पे 2.10 2.20 की आप टेबल में एंट्री है? नहीं, क्योंकि दोनों को क्या पता चल रहा है कि हम लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है भाई, लैन नेटवर्क के लिए। R1 के लिए नेटवर्क इनडायरेक्ट है, R2 के लिए भी ये नेटवर्क क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इसलिए कभी आप टेबल में एंट्री बनाएंगी एक दूसरे की, बताओ भाई? नहीं ना। तो अगर आप इसमें नेक्स्ट हॉप करते हो तो कभी नहीं बनती। अगर मैं नेक्स्ट हॉप हटा दूं, जैसे मैंने ये कमांड चलाई थी आईपी रूट की, इसको नो कर दिया और अब मैंने लिखा आईपी राउट मुझे इस नेटवर्क में जाना है R1 से इस नेटवर्क में, और किस इंटरफेस के वाया जाएगा? R1 के भाई। एग्जिट इंटरफेस का मतलब राउटर 1 के किस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकलेगा? अगर जीरो मुझे राउटर 2 की ब्रांच में जाना है तो 0/1 0/1, तो E0/1। अब देखो शो आईपी राउट स्टैटिक, स्टैटिक रूट तो दिखा रहा है, लेकिन अब ये रूट कैसा दिखा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? करेक्ट डायरेक्ट दिखा रहा है। R2 पे भी यही कर दो, जो रूट दे रखा था उसको हटा दो, नो कर दो सबसे पहले। हो गया। और मैं इसी रूट को क्या बोल रहा हूँ, एग्जिट इंटरफेस R2 का कौन सा होगा अब R1 के पास जाने के लिए ब्रांच नेटवर्क में? E0/1। जीरो तो देखो शो आईपी राउट स्टैटिक इसके पास भी डायरेक्टली आ गया। अब यूजर से जाके पिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंग होगा। देखो 2.20 कर रहे हो,
2.10 भी पिंग होगा। इधर से आ जाओ, 2.20 को पिंग कर सकते हो, वो भी देख लो आपने, हो रहा है भाई। लेकिन अब R2 की आप टेबल देखने है ना, शो आईपी आर, इसके आप टेबल में क्या एंट्री स्टोर हो रही है बताना, आपके R1 दिल्ली ब्रांच के यूजर्स की एंट्री स्टोर हो रही है या नहीं, वो चेक करके बताओ। सभी की हो रही इंस्टोर हो रही है, अगर 1,000 यूजर होते दिल्ली ब्रांच में तो सभी की एंट्री होती, और अगर R2 के पास 1,000 यूजर होते तो R1 उन सबकी एंट्री भी रखता, ये भी रख रहा है ना 2.10 और 2.20 की। और मैक एड्रेस क्या बता रहा है, सबका सेम है या डिफरेंट है, चेक करके बताओ। और ये मैक एड्रेस कौन सा होगा R2 के, R2 का होगा या सर्वर का होगा ये मैक एड्रेस, R1 के पास जो मैक एड्रेस आया है 2.10 और 2.20 के लिए, किसका मैक है, R2 का है या सर्वर्स का है R1 की या उनकी, किसका जरूरत R2 का R1 होगा सर। R2 के E0/1 जहां से वो निकल गया है उसी का तो होता है, सेंड करने वाले इंटरफेस का सोर्स मैक, तो वही रखा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टॉप और एग्जिट इंटरफेस, इसको बंद कर देता हूं मैं। एक और राउटिंग बढ़ानी है क्योंकि इसको स्टॉप करके, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। फिर थोड़ा एडवांस ले आऊंगा इसमें CCNP वाला। ओपन कर दो स्लैब को, अब चेक करो राउटर 1 के पास कितने कितने पाथ है राउटर 2 के पास पहुंचने के लिए, देखकर बताओ आप लोग। दो दो पाथ है, तो यानी अगर मैं दोनों रूट को R1 को बोलो कि मुझे इस ब्रांच में जाना है, तो मेरे पास दो पाथ है, और दोनों की AD वैल्यू कितनी होगी बाय डिफॉल्ट, वन बेस्ट 1। दोनों बेस्ट पाथ होंगे या बैकअप पाथ होंगे, दोनों ही बेस्ट बनेंगे। अब फ्लोटिंग का मतलब होता है एक को बेस्ट बनाना और एक को क्या बनाना भाई, बैकअप। तो यहाँ पर AD वैल्यू के साथ चेंज करने वाले हैं। ठीक है, राउटर 1 को एक्सेस ले लो, राउटर 2 को ले लो, स्विच को ले लो, और फिर इधर वाले स्विच को भी एक्सेस कर लो। वेट करो, ओहो रुको, वेट करो, 1 मिनट आ जाएगा। राउटर 1, राउटर 2, यूजर 1, यूजर 2, सर्वर और सर्वर 2। सर्वर 1, सर्वर 2। ठीक है, राउटर 1 पे जाओ सबसे पहले, आईपी चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी दे रखी है भाई E0/1 12.1, ये वैन इंटरफेस है या लैन इंटरफेस है राउटर 1 का, वैन वैन है। E0/2 ये वैन है या लैन है, वैन इंटरफेस है। ठीक है, शो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट है अभी तक दिल्ली ब्रांच और नोएडा ब्रांच के लिए, नोएडा ब्रांच में जाने के लिए कोई नेटवर्क है, नहीं नहीं है, R2 पे आ जाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर आईपी है, शो आईपी रहो। इसके पास है कोई दिल्ली ब्रांच का रूट, 192.168.1.0 वाला कोई नेटवर्क है इसके पास, नहीं है। अब ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा, पहले यूजर्स को आईपी दे दो। सबसे पहले VPC 6 पे जाओ, IP 192.168.1.2 सबनेट मास्क, गेटवे दे दो ना डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब गेटवे में, एंटर। VPC 7 IP 192.168.1.3 सबनेट मास्क और गेटवे IP is 1.1, सर्वर 1 IP 192.168.2.10 सबनेट मास्क और गेटवे IP is 2.1, सर्वर 2 IP 192.168.2.20 सबनेट मास्क और गेटवे IP is 2.1। चलो डन, अब बस समझो, अब यूजर्स कम्युनिकेट कर पाएंगे सिर्फ अपने नेटवर्क तक, आपको चेक करा दो। देखो VPC बोला अगर मुझे पिंग करना है अपने नेबर को, कौन सा नेबर है उसका, 1.2 का नेबर कौन है, 1.3 पिंग हो रहा है, 1.1 यानी गेटवे तक जा रहा है। ओहो एक सेकेंड, VPC 6 यार, ओहो ये बंद हो गया, स्टक हो गया है, स्टॉप करो, स्टार्ट करो, वेट करो, आ जाएगा।
हो गया IP 192.168.1.2 सबनेट मास्क और गेटवेज 1.1 डन। तो ये दोनों पिंग कर पाएंगे, 1.3 भी कर पाएगा, ये लो चेक कर लो। 1.2 को पिंग कर सकता है, ये 1.1 को पिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे ब्रदर आप 2.10 को पिंग करना, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो बनाएंगे इसको रीचेबल। R1 बोल रहा है भाई मुझे जाना है किस ब्रांच के नेटवर्क के लिए। अब R1 को किस में रीच करना पड़ेगा, नोएडा ब्रांच में ना। और कैसे जाएगा, R1 बोलेगा मैं इस नेटवर्क में जाना चाहता हूं, लेकिन कितने पाथ है मेरे पास जाने के लिए, एक और दो। तो R1 किस नेक्स्ट हॉप आईपी को यूज करेगा, अपनी या सामने वाले की। नेक्स्ट हॉप आईपी कौन सी यूज होगी बताना, सामने वाली आईपी कौन सी यूज होगी, R1 कौन सी नेक्स्ट हॉप आईपी यूज करेगा नोएडा ब्रांच में जाने के लिए, R2। R2 के। भाई ये सीसीएन ने भी पढ़ाया, आप लोग भूल गए क्या, रिवीजन नहीं करके आए। आईपी राउट और इस नेटवर्क में जाना है, और ये सबनेट मास्क है, और किसके बाहर जाऊंगा 12.2 और 112.2। तो देखने जरा, डू शो आईपी राउट स्टैटिक। आप एक ही नेटवर्क में जाने के लिए दो पास सिलेक्ट कर चुके हो, क्यों कर पाए हो, क्योंकि दोनों रूट की ईडी वैल्यू कितनी है भाई, दोनों रूट की ईडी वैल्यू 1-1 है। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, हमारा केस है फ्लोटिंग राउटिंग को पढ़ना। फ्लोटिंग का मतलब एक रूट बनेगा मेरा बेस्ट और एक क्या बनेगा, बैकअप। तो कैसे बनाओगे बेस्ट और बैकअप, आप इसमें फ्लोटिंग में क्या काम करते हो, सिर्फ एडी वैल्यूज को चेंजेस कर देते हो। एडी वैल्यू को क्या करोगे, चेंज करोगे। जो बेस्ट होगा उसके पास हमेशा कौन सी एडी वैल्यू होनी चाहिए, लोवेस्ट, और जो बैकअप होगा उसके पास कौन सी होनी चाहिए, हाईएस्ट। तो करके दिखाऊं एक बार, देखो R1 पे चलो, ये जो रूट डाले थे ये हटा दो सबसे पहले, इनको नो कर दो भाई, इसको भी नो करो, 12 डॉट वाले को भी। अब चेक करो डू शो आईपी राउट स्टैटिक, कोई रूट है नहीं है। अब मैंने क्या बोला, आईपी राउट इस नेटवर्क में जाना है भाई, ये सबनेट मास्क है, और कौन सा बेस्ट रूट है ये बताओ मुझे सबसे पहले, 12.2 वाला ना। और इसकी बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितनी होगी, एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 1। तो पहले से इस पे 1 है, दोबारा से 1 लिखने का कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं। एंटर कर दो। लेकिन जब आप इसको बोलोगे कि मुझे अगर इस नेटवर्क में जाना है 112.2 से, तो उसकी एडी वैल्यू कितनी बताओगे आप, उसके 2 2 का मतलब एक से ज्यादा हो गई ना, तो ये बैकअप बनेगा। देखो आप शो आईपी राउट स्टैटिक, तो इसके पास कौन सा रूट इंस्टॉल हुआ है, सिर्फ बेस्ट, कौन सा, 12.2 यानी ट्वेल्व बेस्ट, इसकी एडी वैल्यू 1 है। किसी ने बोला सर बैकअप वाला रूट नहीं दिख रहा मुझे, तो कैसे देखोगे, शो रन पाइप सेक्शन और आईपी राउट, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का वही सेक्शन दिखाओ जहां पर आईपी रूट लिखा हुआ हो, एंटर। तो कितनी कितनी रूट्स हैं चेक करना जरा, ठीक है। अब R2 से भी ऐसी करना पड़ेगा, R2 के पास भी देखो आईपी राउट, अगर मुझे नोएडा से दिल्ली ब्रांच के इस नेटवर्क में जाना है, ये सबनेट मास्क है, और किसके बाया पहुंच सकता हूँ, नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगी यहाँ पर, प्रवीण अमन अफजल, आप बताओ भाई क्या होगी नेक्स्ट ऑफ आईपी, ट्वेल्व क्या होगी, ट्वेल्व डॉट डॉट वन वन और ये बेस्ट होगा, तो इसकी एडी वैल्यू 1 ही रखनी है। जैसे ही 112.1 आएगा उसकी एडी वैल्यू कितनी करनी है, शो आईपी राउट इस पे हो गई। अब पिंग करके दिखा देता हूँ 2.10 को, हो पा रहा है, यस और नो। अब कंटिन्यू पिंग लगा दो, कंटिन्यू पिंग कैसे करोगे, पिंग लिख के एंटर करो, तो वो क्या बोल रहा है, अगर आपको कंटिन्यू पिंग करना है तो क्या लिख दो, सी, क्योंकि काउंट करेगा कितने पैकेट भेजे हैं, बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं। तो मैंने बोला पिंग करो 2.10 को -C, कितने पैकेट भेज दिए भाई, 100 कंटिन्यूअस जा रहे हैं। अब आप क्या करो, R2 पे जाओ और R2 को बोलो कि आपका इंटरफेस E0/1 क्या हो गया भाई, बंद। तो R1 के पास से ऑटोमेटिकली कौन सा रूट इंस्टॉल हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाएगा, 12.2 वाला। लेकिन अभी ये फिजिकली कनेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन ये सिमुलेटर है ना, तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। अब दोनों साइड से बंद कर दो E0/1 को, तब देखना फिर।
अब देखो यूजर का डेटा ट्रैफिक जाने लग रहा है, यस और नो, दिख रहा है भाई? क्यों? क्योंकि आर वन ने शो आईपी राउट स्टैटिक, कौन सा रूट इंस्टॉल कर लिया वहां तक जाने के लिए, बताइए आप सभी लोग। बैकअप बेस्ट वाला बैकअप। बैकअप पा, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इंटरफेस E0/1 नो शटडाउन, दोनों साइड से बंद करना इस लैब के लिए। रियल टाइम में तो एक साइड से भी बंद हो जाए काम हो जाएगा, यूजर का ट्रैफिक दोबारा से जाने लगेगा। वेट करो, जा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट है भाई जो मुझे पढ़ाना है, आपके सीसीएनपी का पार्ट है, ये खत्म हो गया आपका। अब मुझे एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ाना है, अगर मैंने पढ़ाया है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो भी ठीक है। टॉपिक का नाम याद रख लो, क्या है? इस टॉपिक का नाम है ट्रैक, क्या बोलते हैं इसको बताओ सभी लोग, क्या नाम है ट्रैक टॉपिक का? ट्रैक। ट्रैक किस लिए यूज होता है? दिस फीचर यूज टू वेरीफाई लाइन प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। कोई मुझे लाइन प्रोटोकॉल के बारे में बताओ क्या होता है और कहां पे होता है, क्यों होता है? अब्दुल आपको पता है कुछ ऐसा लाइन प्रोटोकॉल के बारे में? हाँ यस सर, जब स्विच पोर्ट सर केबल सर अटैच करते हैं तो लाइन प्रोटोकॉल आप हो जाते हैं एडमिन हाँ, और एक होता है एडमिन वाला, तो लाइन प्रोटोकॉल मैनेजर का काम वाला। करता है। हाँ, तो ये लाइन प्रोटोकॉल को वेरीफाई करता है कि वो अप है या डाउन। अच्छा, एक और बात, दिस फीचर आल्सो हेल्प टू वेरीफाई नेटवर्क रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेता है ये? नेटवर्क की रीचेबिलिटी की। अच्छा, एक और बात समझो, दिस फीचर आल्सो हेल्प टू वेरीफाई राउटिंग इंफॉर्मेशन। किसकी हेल्प करेगा? राउटिंग इंफॉर्मेशन की। ओके, दिस फीचर आल्सो पॉसिबल टू मैप विद राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कर सकते हो इसको मैप। देखो, जो ट्रैक है वो बनता है आपका, इसकी जो रेंज होती है ये 1 से लेकर कहाँ तक बन सकता है भाई, बताइए आप लोग कहाँ तक बना सर सकते हो? 1000 तक। आपके पास एक कंप्लेंट आई ऑफिस में, आपकी 2 ब्रांचेस है, ध्यान से गौर से सुनना है इसको, बात इंटरव्यू में पूछेंगे, फिर मत बताना कि बताया नहीं था। ये वाली जो ब्रांच है ना, दिल्ली वाली ब्रांच, यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हो, ठीक है? ये दिल्ली में तो आप बैठे हुए हो यहाँ पर, और एक ब्रांच है आपकी, कौन सी भाई? नोएडा। अब आपने इनको कनेक्ट कर का इंटरनेट के थ्रू, सपोज कर लेते हैं, तो ये आपकी ब्रांच दिल्ली और ब्रांच नोएडा आ गई। अब आपको टास्क दिया गया है, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर कहाँ पर विजिट कर रहे हो? दिल्ली ब्रांच पे। आपके पास एक टास्क आया, आपको बोला गया कि दिल्ली ब्रांच वालों को वेरीफाई करना है नोएडा ब्रांच की कनेक्टिविटी अप है या डाउन है। कैसे वेरीफाई करोगे? या तो पिंग करोगे, या कमांड चला के वेरीफाई करोगे, रूट देखकर करोगे, या सभी यूजर से एक एक बार पिंग करके चेक करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जाना है राउटर वन पे, और राउटर वन पे कमांड चलानी है। क्या बोलना है राउटर वन पे? कॉन्फ़िग मोड में जाओ, क्या लिखो? ट्रैक, और ट्रैक का नंबर, कितने नंबर का ट्रैक बना रहा हूं मैं? ट्रैक नंबर 1। एक ट्रैक में एक ही फीचर यूज कर सकते हो, ट्रैक 1। उसके बाद बताना है कि ट्रैक जो चला रहे हो किसके लिए है, किसी एप्लीकेशन इंटरफेस आईपी या IPv6, या कोई स्पेसिफिक लिस्ट है, या कोई ऑब्जेक्ट है। तो मैं अभी सिखा रहा हूँ लाइन प्रोटोकॉल, तो वो किस पे होगा लाइन प्रोटोकॉल, किसी आईपी पे या इंटरफेस पे, ये बताओ मुझे। इंटरफेस इंटरफेस, तो ट्रैक 1 इंटरफेस, कौन से इंटरफेस को चेक करना है? R1 के। मैंने बोला भाई R1 के जो बेस्ट रूट है उसका इंटरफेस है E0/1, उसको चेक करो। तो R1 का E0/1 चेक करना, उसका क्या चेक करना है आपको? उस पर आईपी चेक करनी है, या IPv6 चेक करनी है, या लाइन प्रोटोकॉल? तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ लाइन प्रोटोकॉल। तो हमने क्या बोला, ट्रैक 1 एक इंटरफेस है E0/1, उसका क्या चेक करना? लाइन प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि अगर R2 का E0/1 डाउन हो जाएगा ना, तो R1 को इमीडिएट पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल कनेक्टेड है। इसके लिए फिजिकल कनेक्ट होना जरूरी है, कहीं बीच में ISP इमेजिन कर लो, ऐसा नहीं है। तो कनेक्टिविटी तो फिर ISP से होगी ना, तो कभी आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिखाएगा? नहीं, हमेशा आप ही रहेगा। तो याद रखना, अभी के केस में हम क्या समझ रहे हैं कि R1 और R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तभी यूज कर पाओगे लाइन प्रोटोकॉल को। तो ये हमेशा याद, एंटर कर दो।
एन लिखो। अब एक कमांड चलाओ शो ट्रैक, और ट्रैक में देखकर बताओ लाइन प्रोटोकॉल अभी अप है या डाउन है, ये बताओ मुझे। अप है, चलो ठीक है। अब कुछ देर के बाद आपका आर टू का इंटरफेस फिजिकल केबल किसी ने हटा दी, ये आर टू से हटानी, ये कमांड आर टू पे चलती है, तब आर वन पे दिखता, लेकिन सिमुलेटर तो हो नहीं पाएगा। अब आप पे जैसी चलाई आप आ गए, अब आपसे बोला गया ट्रबल शूट करो यार, क्या प्रॉब्लम है मुझे मेल करो। आपने पिंग विंग लगाया, आपने चेक करा पिंग तो हो रहा है, फिर आपको पता चला शो आईपी इंटरफेस ब्रेक, कि इंटरफेस तो मेरा अप है यहाँ पर, लेकिन प्रोटोकॉल क्या है डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट कभी नहीं भेजोगे एडमिन को, आप क्या भेजोगे शो ट्रैक, और ट्रैक का आउटपुट चेक करो क्या बता रहा है। ट्रैक नंबर वन जो E0/1 था, वैन वाला इंटरफेस, उसका लाइन प्रोटोकॉल अभी क्या दिखा रहा है भाई, डाउन। अभी तो एडमिन डाउन इसलिए मैंने खुद डाउन करा है ना, जब ऑटोमेटिक डाउन होगा तो एडमिन डाउन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये आउटपुट आप किसको भेजोगे भाई, ये वाला आउटपुट किसको भेजोगे, अपने नेटवर्क एडमिन को। अब नेटवर्क एडमिन को पता चलेगा जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी E0/1 से वो क्या हो गई है, डाउन हो गई। जैसे ही वो इंटरफेस पे केबल लगवाएगा कॉल करके, दोबारा से ये इंटरफेस का स्टेटस क्या हो जाएगा, आप वेट करो और शो ट्रैक, और ट्रैक में क्या लिखा हुआ आ रहा है, अब लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया है भाई, अब दोबारा से अप हो गया, और एक लॉग भी आएगा, ट्रैक स्टेट 1 के लिए इंटरफेस E0/1 लाइन प्रोटोकॉल डाउन से क्या हो गया है अब आपका, बताओ मुझे सभी लोग, अप हो हो गया है, गया हो गया लाइन प्रोटोकॉल चला सकते हो। एक और होता है, एक और ऑप्शन शो आईपी राउट स्टैटिक, एक रूट है ना आपके पास 2 डॉट के नेटवर्क का दिख रहा है, अब आपको बोला गया है कि ये रूट रीचेबल रहे, और अगर अनरीचेबल हो तो आप इसका आउटपुट मुझे मेल पे भेज देना, ये आपके लिए टास्क बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, ट्रैक लगाना है, आपने क्या बोला ट्रैक नंबर 2, 1 तो यूज हो गया ना, और ट्रैक 2 में क्या बोला आईपी के लिए क्या काम करने आए हो, रूट का, और कौन सा रूट है भाई, कौन से नेटवर्क का रूट वेरीफाई करना है, 2.0 का, और उसका सबनेट मास्क 24 है स्पेस, अच्छा 2.0/24, और क्या चेक करनी है उसकी, कोई मेट्रिक है या रीचेबिलिटी, क्या चेक करनी है भाई बताओ मुझे। मेट्रिक का रीचेबल। मतलब कम ज्यादा हो मेट्रिक तो बता देगा, रीचेबिलिटी का मतलब अगर ये रूट रहेगा आपके राउटिंग टेबल में तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो लॉग जनरेट कर देगा, तो मैंने लिख दिया रीचेबिलिटी, एंटर एंड लिख दिया। अब देखो शो ट्रैक, ट्रैक नंबर 2 अभी क्या आ रहा है लिखा हुआ, पढ़ के बताओ मुझे ये लाइन, अफजल आप पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है, आईपी रूट इस नेटवर्क के लिए अभी क्या हो रखा है, रीचेबिलिटी लगा रखा है, और रीचेबिलिटी अभी क्या बता रहा है, अप है या डाउन है, पहले रीचेबिलिटी अप है, लेकिन किस किस प्रो किस मेथड के थ्रू अप करी गई है रीचेबिलिटी, स्टैटिक स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, और फर्स्ट हॉप यानी उसके लिए उस नेटवर्क में रीचेबल होने के लिए पहला इंटरफेस कौन सा है, E0/1, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि E0/1 राउटर 1 का E0/1 डाउन हो गया थोड़ी देर बाद, ये लो डन, शो आई शो ट्रैक ट्रैक नंबर 2, अब पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रैक 2 में क्या लिखा आ रहा है, पढ़ना आउटपुट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो बताना है, बस पढ़ो और फिर बताओ। यस सर, इंटरफेस ट्रैक 2 में क्या चेंज आप लोगों को, इंटरफेस जो फर्स्ट ऑफ इंटरफेस था E0/2 आ गया है, अच्छा अगर ये इंटरफेस भी डाउन कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये लो, अब चेक करो शो ट्रैक, शो ट्रैक 2, अब पढ़ना जरा इसका, एक लॉग आया है इस नेटवर्क के लिए रीचेबिलिटी आपसे डाउन हुई है, क्यों हुई है, पढ़ना भाई रीचेबिलिटी डाउन क्यों बता रहा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नो आईपी रूट आईपी ये कोई रूट है ही नहीं क्या, आप ऐसी कोई कंडीशन है शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में कोई रूट नहीं है उसके लिए, नहीं भाई, तो याद रखना है दो ट्रैक लगाने सिखाए हैं, इंटरफेस E0/1 नो शटडाउन, और इंटरफेस रेंज E0/1 और 2 नो शटडाउन। अब एक ट्रैक और सिखाता हूँ भाई,
जब आप रूट देते हो ना, रूट जैसे आपने क्या दिया था पहले, राउटिंग कमांड क्या चलाई थी, शो रन पाइप सेक्शन आईपी राउट। तो चेक करना भाई, आपने कमांड चलाई थी आईपी राउट, मुझे इस नेटवर्क में जाना है भाई, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क और मेरा नेक्स्ट स्टॉप है 12.2। उसके बाद एक ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन पढ़ाता हूँ अब मैं आपको, वेट करो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं दिखाए थे, कहाँ गए भाई ऑप्शन, ये लो ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन बताता है एडी वैल्यू, किसी मल्टीकास्ट रूट को डाल रहे हो, मल्टीकास्ट रूट नहीं, कोई नेम देना है इस रूट का। हाँ मैं नेम दे रहा हूँ भाई, नेम क्या दिया, नेम क्या दिया, 1 GB लिंक। क्या लिखा हुआ है इसके आगे, अब्दुल अभिषेक अमन अफजल, 1 GB लिंक, यानी 1 GB का लिंक है ये। और देखो शो आईपी राउट स्टैटिक, यहाँ पर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब कोई लिखेगा शो रन पाइप सेक्शन आईपी राउट, तो उसको क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, 2.0 वाया 12.2, ये कौन सा लिंक है, 1 GB। तो ये आइडेंटिकल, यानी ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। सेम कमांड चला लेता हूँ, नेम की जगह आप कुछ और यूज करता हूँ। अब क्या बोल रहा है, एक ऑप्शन है कौन सा भाई, क्या लिखा हुआ है ऑप्शन, परमानेंट परमानेंट। ये होता है अनकंडीशनली रूट को इंस्टॉल करना, इसका मतलब क्या होता है, अनकंडीशनली रूट को इंस्टॉल करना। अनकंडीशनली का मतलब इस रूट को आप इंस्टॉल करोगे, जब तक ही करोगे, जब तक ये वाला बंदा क्या होगा उसके लिए, रीचेबल होगा। वो R1 इस पर्सन को अगर पिंग कर पाएगा तो ही इंस्टॉल करेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो कभी इंस्टॉल होगा, ये बताओ मुझे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप ऐसी कंडीशन को क्या करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, तो आप आगे क्या लिख दो उसके, परमानेंट, फिर एंटर, डन है इतना। अब हटा देता हूं। अब एक और फीचर है इसके बाद, नेक्स्ट फीचर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, नेक्स्ट फीचर क्या है, बैक इंस्टॉल रूट डिपेंडिंग ऑन ट्रैक आइटम्स। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया ट्रैक नंबर 3 और एंटर कर दिया। अब शो आईपी राउट स्टैटिक, रूट तो आ गया है दिख रहा है, लेकिन शो ट्रैक नंबर 3 देखना है। शो ट्रैक 3 में कुछ दिख रहा है भाई अभी तक, बोलो, नहीं ना। नो अब ट्रैक 3 में आप इंफॉर्मेशन ऐड करो, क्या क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला ट्रैक 3 क्या करना है भाई, आईपी के लिए रूट को वेरीफाई करना है, इस वाले को 2.0/24 रीचेबिलिटी चेक करना। और क्या कर सकते हो, डिले लगा सकते हो कि कितनी देर का डिले गैप लेगा। ठीक है, आईपी, आईपी के बाद और भी है, वीआरएफ का फीचर यूज कर सकते हो, किस वीआरएफ के लिए यूज करना है, एग्जिट कर दो। अब देखो शो ट्रैक 3, अब इस ट्रैक 3 को जरा पढ़ना आप लोग क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा अलग आएगा आउटपुट, बताओ क्या आउटपुट में चेंज हुआ हुआ है, देखकर बताओ सभी लोग। आउट, डेटा अब इसके अंदर एक ऑप्शन आया है भाई कि फर्स्ट होप तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब ये ट्रैक्ड बाय क्या बता रहा है, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्ड बाय स्टैटिक आईपी राउटिंग। इसका मतलब है कि ये जो ट्रैक का फीचर है, किसी ने राउटिंग करते टाइम ही इंस्टॉल करा दिया था। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा कुछ फीचर आया था आपके पास, बताओ मुझे। नो तो अगर ये रूट बंद हो जाता है, जैसे मैंने इंटरफेस रेंज कीवर्ड यूज करके दोनों इंटरफेस को एक ही बारे में बंद कर दिया, 1 और 2 को, बेसिकली ये होगा नहीं, अभी सामने वाले का बंद होना चाहिए तब आएगा। अभी हमारे केस में तो सिमुलेटर है, तो बार बार हम किसको बंद करें, अपने ही इंटरफेस को। और चेक करना आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो ट्रैक 3, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, रीचेबिलिटी इज डाउन, कोई रूट नहीं है, फर्स्ट होप इंटरफेस अननोन हो गया है। तो इससे क्लियर हो रहा है आप लोगों को, तो जब भी आप रियल टाइम में काम करो तो ट्रैक यूज कर लेना। अभिषेक जी आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा ये, आई थिंक आपके यहाँ लगा रखा होगा ये, फायरवॉल के साथ हो सकता है, राउटर्स के साथ हो सकता है, आपके यहाँ मिलेगा। अभिषेक जी चेक करा आपने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को, नहीं सर, वहां पर ट्रैक फीचर चलता है, या तो क्या चलेगा आईपीएसएलए, क्या चलेगा आईपी। आईपीएस अभी सिर्फ ट्रैक फीचर की प्रैक्टिस करनी है, स्टैटिक राउटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कल पढ़ाऊंगा डिफॉल्ट राउटिंग प्लस आईपीएसएलए, क्या पढ़ाऊंगा, डिफॉल्ट राउटिंग प्लस
IPSL है, याद रहेगा इतना। और सर इसमें अगर दोनों दोनों पोर्ट पे ट्रैफिक मैनेज करना हो हमें कि एक साथ चला जाए, तो फिर तो AD वैल्यू सेम कर दो ना, तो फिर मतलब दोनों से जाएगा ट्रैफिक। फिर दोनों से जाएगा ट्रैफिक, दोनों ही बेस्ट है ना, तो दोनों यूज होंगे। कुछ ट्रैफिक ऊपर से जाएगा, कुछ ट्रैफिक नीचे से जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस। मेल आईडी सबने व्हाट्सएप कर दी मुझे ग्रुप में, मैं भेज